तो गाइस यार अभी भाई घूमते घूमते अपने विशाल भाई ने अपनी तीखी नजरों से भाई एक चीज को नोटिस करा और भाई वो आपको भी दिखाते हैं, बड़ी खतरनाक चीज है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. तो guys, आज है भाई छुट्टी आज, तो भाई आज गाड़ी की सर्विस करानी है मेरे को, क्योंकि अभी मैसेज भी आ गया था और भाई हम लेकर गए हुए थे हिमाचल, तो भाई अभी तक ना दो सर्विस हो चुकी है, अभी थर्ड सर्विस होगी, तो चलते हैं भाई। बाय बाय। ओ यार चिंटी है, चिंटी है थी। तो भाई दोस्त आ गए अपने, हेलो तो कर दे यार। कोई तरीका है भीख मांगने का? हेलो गाइस, मजा आया। चलते हैं फिर, हैं चले चलो। तो यार वो जो मैंने आपको बाहर दिखाया भाई, वो हुआ क्या यार? तो एक्चुअली ना भाई मैं अभी घर गया हुआ था, तो हफ्ता भर हो गया मेरे को घर गए हुए, हफ्ता नहीं दो हफ्ते हो गए ना, एक्चुअली दो हफ्ते हो गए। तो ना वहाँ पे भाई पार्किंग मिलती नहीं, आपको पता है कैसे ऐसे रोड होते हैं। तो वहाँ पे भाई मैंने लगाई थी गाड़ी पेट्रोल पंप पे, कोई मतलब चाचू के दोस्त वगैरह थे तो उन्हें बोल के गाड़ी पेट्रोल पंप पे में लगा दी थी। तो हुआ गया भाई, हम थोड़ा सामान लेने गए भाई, उतनी देर में कोई आगे से मार के चले गया गाड़ी, अब भाई बंदा गायब हो गया, अब क्या कर सकते हैं। चलो लग गई वो। कैमरे में आ गया। तो गाइस यार गाड़ी लगा दी है भाई सर्विस के लिए, और अभी थोड़ा बाहर आ गए थे क्योंकि टाइम तो ज़्यादा लगना है, तो यहाँ पे मंदिर भी है तो हमने सोचा मंदिर भी घूम लेते हैं। तो यार ये देखो यार, बहुत बड़ा शिवलिंग है भाई, ये ना हम गाड़ी से आ रहे थे तब हमने देखा था, तो काफ़ी बड़ा है यार, आपको आगे से दिखाता हूँ। तो गाइस यार शिवलिंग देखो यार कितना बड़ा भाई, देखा है आज तक? इतना बड़ा नहीं देखा ना मैंने, भी नहीं देखा गाइस इतना बड़ा भाई, कैमरे में भी नहीं आ रहा, आगे से दिखाते हैं, आगे से है शायद। तो गाइस यार शिवलिंग देखो भाई। तो यार हमने सोचा भाई गाड़ी को टाइम ज़्यादा लगेगा, तीन चार घंटे तो मतलब आराम से, तीन चार बजे तक हम फ्री होंगे, तो मैं सोचा चल बाहर घूम ही आते हैं। तो भाई ने भी अपना बोला कि भाई बाहर घूमे आते हैं, तो हमने रास्ते में देख लिया था आते आते कि मंदिर है यहाँ पे, चलो देख लेते हैं अंदर जाके कैसा है। तो इधर से भाई मेन एंट्री, और यहाँ पर शिव जी भगवान की एक मूर्ति है बहुत बड़ी, और पीछे शिवलिंग है, यहाँ से नहीं दिख रहा पर पीछे से दिखाते हैं आपको। तो गाइस इतना बड़ा मंदिर है ये भाई, मेरे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था, काफ़ी सुंदर मंदिर है। यहाँ पे बजरंग बली जी है, यहाँ पे कृष्ण राधे भगवान है, यहाँ पे राम भगवान जी है, यहाँ पे शिव जी भगवान जी हैं, यहाँ पे शेरावली माता जी हैं, और इधर से आके भाई यहाँ पे शिवलिंग है बहुत बड़ा, काफ़ी सुंदर शिवलिंग है, आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे शिवलिंग है काफ़ी सुंदर, और यहाँ पे भगवान जी हैं, गाय माता, यहाँ पे गणपति बाबा। यहाँ से भाई एग्जिट है, एग्जिट मीन्स पीछे साइड है, पीछे साइड, अच्छा यही मंदिर था, बाकी नीचे यार कुछ कमेटी सेंटर टाइप सा है, क्यों नीचे ना गाने बज रहे हैं पार्टी वाले। तो ये पीछे है मंदिर, और बस यहाँ पे भी शनि भगवान का मंदिर है, और यहाँ पे काली माता जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, और यहाँ पे और भी है, यहाँ पे भी माताएं हैं, और यहाँ पे भी हैं शीतला माता जी का मंदिर है। इसके ऊपर शायद शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है जो दूर से दिख रहा था, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, वो यहाँ पे तो है नहीं, मतलब इसके ऊपर है। तो चलो यहाँ पीछे से दिखेगा तो दिखाता हूँ आपको, हवन वाला सिस्टम है यहाँ पे, हवन वगैरह होता है। गाइस यहाँ पे है शिवलिंग, वो देखो कितना बड़ा है,
ये बैक साइड से है, ये मतलब दूसरी साइड से होगा इसका फ्रंट वाला साइड उस तरफ से, लेकिन उस तरफ से यार दिखेगा नहीं ना। चल चलिए कहाँ से ये नीचे से निकलना, धूप बहुत ज़्यादा है यार। शनि मंदिर शायद खाना पीना पड़ रहा है ना। तो यार मंदिर घूम के आ गए भाई, आप जा रहे हैं दोबारा सर्विस सेंटर के, वहाँ पे थोड़ा वहाँ घूम लेंगे यार, कुछ खाना है यार भाई। तो यार देखते हैं अभी कुछ है, अगर मिल जाए खाने को, वरना फिर भाई 15 जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके खाएंगे कुछ। तो यार खाना पीना खा लिया भाई, खाने में क्या खाया था अपने, ब्रेड पकौड़े, और ज़्यादा कुछ खाया तो था नहीं। अब जा रहे हैं थोड़ा आगे घूमने वैसे ही, क्योंकि अभी टाइम लगेगा यार, वॉशिंग रह गया कार की, और भाई यहाँ पे थोड़ा शोर ज़्यादा है, शायद ही आवाज़ आ रही होगी, कन्फर्म नहीं है। तो यार गाइस ये दिखाने आया था मैं विशाल को भाई, वो देख अंदर खड़ा हुआ स्कूटर गाड़ी देख। तो गाइस यार अभी भाई घूमते घूमते अपने विशाल भाई ने अपनी तीखी नज़रों से भाई एक चीज़ को नोटिस करा, और भाई वो आपको भी दिखाते हैं, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ओए होए भाई बड़ी गलत चीज़ है, दिखा दिए। तो गाइस यार ये देखो यार, ये है वो चीज़ भाई, कितनी बड़ी चीज़ है भाई। ओए होए वो टायर तो देख इसके, एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। भाई ये ट्रैक्टर प्लस जेसीबी टाइप की है ना, तो ये भाई इंडस्ट्री टाइप की मतलब वो है यार, अब जहाँ पे वर्क ज्यादा होता है वहाँ पे ये यूज होता है। हाँ भाई मज़ा अलग ही आएगा इसे चलाने का है ना, ट्रैक्टर वगैरह चलाऊँ मैं, या फिर वो जैसे वो होते हैं ना क्या कहते उसे यार, ट्रक चलाना है भाई। गाइस यार ये देखो भाई क्या से है, और यहाँ पे तो वैसे ही यार रोड रोलर टाइप का है। तो ये चीज़ दिखाने के लिए आया था मैं वही, और देखो इसकी हाइट देखो भाई, इसकी 6 के करीब है, और टायर देखो टायर उससे बड़ा है भाई, इतने बड़े बड़े टायर हैं इसके। तो यार ये देखो भाई कितना बड़ा भाई है, अबे रहने दे कोई बोलेगा। बट इसकी लुक बिल्कुल ट्रैक्टर वाली है भाई, आगे इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ और लाइट और फॉग लैंप भाई खतरनाक। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? बाकी भाई अंदर गियर बॉक्स लगा हुआ है यार, एक बार चलाने को मिल जाए तो मज़ा ही लगा ना। गाड़ी की सर्विस हो गई है अभी, ये डायरेक्ट भाई हम पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे, तो काफ़ी भूख लग रही थी, तो खाने के लिए भाई छोले कुलचे लिए हैं। ये रे भाई, ये विशाल भाई ने स्टार्ट कर लिया। कैसे भाई अल्टीमेट, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो गाइस यार गाड़ी की सर्विस करा के भाई मैं घर पहुंच गया हूं, और आज नेक्स्ट डे है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई गाड़ी की सर्विस में, थर्ड सर्विस में कितना खर्चा हुआ। तो यार टोटल खर्चा जो हुआ है वो 122 रुपये हुआ है। तो गाइस यार आप भी हैरान हुए ना, तो यार मैं भी ऐसे ही हैरान हो गया था, तो मैंने उनसे पूछा भाई ऐसा कैसे कि मतलब ऑयल भी चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है, तब भी 122 रुपये लगे हैं। तो यार उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपने ना गोल्ड मेंबरशिप ली हुई थी जब आपने ना गाड़ी ली थी, जिसके कारण भाई अपना सारा कुछ ऑयल वगैरह का सारा कुछ खर्चा जो था, लेबर चार्जेस लगा के सारा कुछ, वो फ्री हो गया था। मीन्स हमने पहले ही पे कर दिया था ना उस टाइम, तो वो 3 सर्विस तक के लिए फ्री था। अब तो भाई पूरा टोटल बिल आएगा कि कितना लगा, पर मैं फिर भी दिखा देता हूँ इन्होंने रेट लगाया हुआ कि ऑयल का कितना है, बाकी ऑयल जो भी है, एयर फिल्टर वगैरह जो भी इन्होंने चेंज करा है, उसका कितना टोटल खर्चा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज ये है भाई बिल, तो ऊपर का तो मैं दिखा नहीं सकता, आपको पता ही यार प्राइवेसी करके सारा कुछ डिटेल होता है उसमें। बाकी भाई ये जो है आप देख सकते हो यार, इसमें थोड़ा सा ना मतलब लाइट प्रिंट हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है इसमें कि गाड़ी में कितने का ऑयल चेंज हुआ है, कैसे क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है। बाकी भाई आपको एक एस्टिमेट कैलकुलेट करके भी बता दूंगा कि कितना लगेगा थर्ड सर्विस में, ठीक है। एक ये है और इसके भी, और ये भी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको पता ही है भाई, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपनी भाई वीडियो आती रहेगी, बट लेट आएगी यार थोड़ा, क्योंकि ना एक्चुअली कॉलेज करके, कॉलेज का भी काम होता है, तो उस करके थोड़ी लेट हो जाएगी। बाकी भाई वीडियो मैं डालता रहूँगा, और आई होप कि भाई आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।